good morning students welcome to Pol class today we are going to discuss the next topic of the running chapter the recent developments in indian politics your today's topic is emergence of a new consensus means a new out there so let's start our discussion regarding today's topic emergence of a new consensus द पीरियड आफ्टर 1989 एटी नाइन इज सीन समाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस जो 1989 के बाद का जो अवधि है उसे कांग्रेस के पतन के रूप में देखा जा सकता है एंड राइज ऑफ़ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के उदय के रूप में देखा जा सकता है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लैक्स नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कंपटीशन अगर आपने दोनों के एक जटिल कंपटीशन के स्वभाव को देखना है कि दोनों के कितना कम्पिटिफ कम्पिटिशन रहा है सो यू हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस एंड द बीजेपी तो आप इनकी जो परफॉर्मेंस है इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं इस मैप में आंकड़े जो दे रखे हैं इन्होंने नाइनटी से टू तक ये देखिए यह यहाँ पे जो रेड कलर है इट इज़ साइन ऑफ बीजेपी एंड ब्लू इज साइन ऑफ कांग्रेस नाइनटी नाइन में बीजेपी एटी फाइव कांग्रेस वन एटी सेवन नाइन्टीन नाइन्टी वन में बीजेपी टू हंड्रेड ट्वेंटी वन और कांग्रेस टू हंड्रेड ट्वटी फोर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में बीजेपी वन सिक्सटी कांग्रेस वन फोर्टी नाइन्टीन एंटी एट में बीजेपी वन एटी टू कांग्रेस वन फोर्टी वन नाइनटीन नाइन्टी नाइन में बीजेपी वन एटी टू और कांग्रेस डबल वन फोर नाउ यू कैन ऑब्जर्व देर वॉज ए वेरी स्टिफ कम्पिटिशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी लोकसभा इलेक्शन टू थाउजेंड फोर दो हजार चार के लोकसभा के चुनाव इन द इलेक्शन ऑफ टू थाउजेंड फोर द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इन टू कोलिजन दो हजार चार के चुनाव में कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल हो हुई थी ए बिग वे बड़े तरीके से द एन डी ए वॉज डिफिटेड एन डी ए बुरे तरीके से हार हुई थी एंड ए न्यू कोलिजन गवर्नमेंट लेड बाई द कांग्रेस एक नई गठबंधन की सरकार बनी जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी नोन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम टू पावर अब यूनाइटेड यूपीए मींस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये पावर में आई एंड दिस गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज इसे लेफ्ट फ्रंट पार्टी से सपोर्ट मिली एंड द इलेक्शन ऑफ टू थाउजेंड फोर ऑल्सो द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी ये जो अवधि है ये गवाह है कि इस टाइम कांग्रेस का फिर से पुनर्जन्म हुआ था कांग्रेस फिर से ज़िंदा हो गई थी इट कुड इंक्रीज इट्स अ शीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991 अब 1991 के बाद से अब जाके उनकी कुछ जो शीट थी वो बढ़ी थी दोबारा से हावेवर इन द टू थाउजेंड फोर इलेक्शन दो हज़ार चार के इलेक्शन में देर वॉज ए नेगलीजेबल डिफ्रेंसिस बिटवीन द वॉस पोल्ड बाय द कांग्रेस एंड द इट्स अलायंसिस एंड द बीजेपी इट्स अलायंस 2004 के जो चुनाव हुए थे में राज्य सरकार को एक तो जो राज्य सरकार थी और एक यूपी सरकार थी दोनों तो को कुल मिले वोटों का अंतर बहुत ही कम था और इस तरह से जो दलीय प्रणाली है सत्तर के दशक की तुलना में एकदम से बदल गई जो पार्टी सिस्टम था हेज़ नाउ चेंज्ड ऑलमोस्टोमेटिकली फ्रॉम वट इट वॉज टिल दो द पोलिटिकल प्रोग्राम प्रोसेस इज़ दैट द अनफोल्डिंग अराउंड दस आफ्टर द नाइनटीन नाइनटीज शो द एमरजेंस ऑफ रोटली फोर ग्रुप्स ऑफ पार्टीज अब चार ग्रुप सामने आ गए थे पार्टीज़ दैट आर इन को लीजन विद कांग्रेस जो पार्टी ग्रुप कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी और पार्टीज़ दैट आर इन अलायंस विद बीजेपी जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी एंड लेफ्ट फ्रंट पार्टीज वामदल थे एंड फोर्थ वन इज एंड अदर पार्टीज हु आर नाट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस पावर और थी वो पार्टियाँ थी जो उनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनी थी दिचुएशन से जस्ट दैट पोलिटिकल कंपिटिशन विल बी मल्टी कमर्ड इस प्रकार से जो ये संकेत बताते हैं कि राजनीतिक मुकाबला भू हो चुका था मल्टी मल्टी एंगल्ड हो चुका था एंड बाई इम्प्लीकेशन सिचुएशन आल्सो अज्यूम ए डाइवर्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इन स्थितियों का एक जायजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेर फेर भी है नेक्स्ट है जी ग्रोइंग कंसेंस बढ़ती सहमति हाउ एवर ऑन मैनी क्रूशियल इशूज ए ब्रॉड एग्रीमेंट हैज़ इमर्स्ड अमंग मोस्ट पार्टीज हालांकि अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच में व्यापक सहमति है एंड इन द मिडेस्ट ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड द मैनी कंफ्लिक्टियर टू हैव हैवर्सड अमंग मोस्ट पार्टीज कि अधिकतर जो दल है उनके बीच में एक सहमति से ऊपरती जान पड़ती है सहमति में चार बातें हैं फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज सहमति बनी नई आर्थिक नीति के ऊपर वाइल मैनी ग्रुप्स आर अपोज कई जो ग्रुप थे वो खिलाफ़ थे इसके टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मोस्ट पोलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अधिकतर जो दलों का मानना था अधिकतर जो थे उसके खिलाफ भी थे मोस्ट पार्टीज़ बिलीव कुछ पार्टियों को मानना था अधिकतर कहा कि दैट दीज पॉलिसीज ये जो पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वुड लीड द कंट्री ये देश को लेकर जाएंगी टू द प्रोस्पैरिटी समृद्धि की ओर एट द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड और देश में और देश का भारत का विश्व की आर्थिक शक्ति बनेगा बहुत जल्दी सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम दूसरी जो पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावे की स्वीकृति क्लेम होता बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकल पार्टीज है जो पार्टी जान चुकी थी क्या कि दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टड की जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके जो दावे हैं सामाजिक और राजनीति बिल्कुल सही है तो इसको जरूर एक्सेप्ट करने की जरूरत है एज द रिज़ल्ट परिणाम ये हुआ ऑल पोलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ शीट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन और सभी पार्टी इस बात पर सहमति दे दी रिजर्वेशन होनी चाहिए पिछड़े वर्ग के लिए किसके अंदर एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अंदर एंड पोलिटिकल पार्टीज़ जो राजनीतिक पार्टियाँ थी और उसको विलिंग टू इंश्योर दैट द ओ बी सी गेट एडुकेट शेयर ऑफ पावर और इस बात भी मान गई कि पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी भी मिले थर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री और तीसरा देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति और जो द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज इज फर्स्ट बिकमिंग लेस इम्पोर्टेंट अब क्या हो रहा था कि अब जो प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेदभाव लगातार कम होता जा रहा था स्टेट लेवल पार्टीज आर जो सर, जो स्टेट लेवल पार्टीज थी आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल एंड हैव प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट ट्वेंटी ईयर्स और सो जो प्रांतीय सरकारें थी वो केंद्रीय सरकार में साझेदारी बन गई साझेदार बन गई और इतने द, इस और इसी दल ने पिछले बीस साल में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाई और फोर्थ था फोर्थ एम्फेसिस ऑन ऑन प्र, प्र, प्रेगमेटिक कंसिडरेशन रादर दैन द आइडियलॉजिकल्पोजिशन एंड पोलिटिकल अलायंसिस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट अब चौथा क्या था विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दे दिया गया विचार विचारधारागत सहमति हालांकि विचार नहीं मिलते थे फिर भी गठबंधन हो गए और गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे अब so, सो मतलब जो जो आइडियाज़ थे वो मैच नहीं कर रहे थे दूसरे के साथ लेकिन फिर भी गठबंधन किए जा रहे थे ताकि अगर गठबंधन हुआ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा सो so, इस प्रकार से मोस्ट पार्टीज ऑफ एन डी ए डिडेंट एग्री विद द हिंदुत्वा आइडियोलॉजी जो एन डी ए की जो पार्टीज थी मैक्सिमम वो बीजेपी के मतलब की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थी याट फिर भी दे के टुगेदर टू फोम ए गवर्नमेंट फिर वो इकट्ठे आए एक सरकार बनाई उन्होंने और पाँच साल तक सत्ता में रहे सो ऑल दीज आर मोमेंट चेंजेस और ऑल दीज आर मोमेंटनस चेंजेस एंड आर गोइंग टू शेप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन द नियर फ्यूचर ये ये सारे मेथोड बदलाव है जो आगामी राजनीति इन बदलावों के दायरे में आकर आकार ले लेगी एंड वी स्टार्टेड दिस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द डिस्कशन ऑफ हाउ द कांग्रेस इमर्ज एज अ डोमिनेंट पार्टी हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ा कि भारत की राजनीति के इस अध्याय की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कांग्रेस किस तरह से प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी थी वी हैव अराइव्ड एट द मोर कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स दस इवन एज पोलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन द स्पेयर ऑफ दिस कंसेंस पॉपुलर मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर आइडेंटिफाई न्यू फॉर्म इस तरीके से जहाँ राजनीति प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है लेकिन इस प्रतिस्पर्धा राजनीति के बीच में मुख्य राजनीतिक दलों के कुछ एक मसलों पर सहमति भी है अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विषय के नए रूप सम्पन्न तरीकों को पहचान कर रहे हैं वो क्या थे जैसे लाइक्यू से विजन एंड पाथवे ऑफ डेवलपमेंट विकास का जो मॉडल था इशू लाइक पोवर्टी गरीबी डिसप्लेसमेंट विस्थापन मिनिमम वेजिज मेहनताना जो स्टैंडर्ड जो मजदूरों का वो फिक्स किया जाए लाइवलीहुड अजीविका एंड सोशल सिक्योरिटी आर बीइंग पुट ऑन पॉलिटिकल एजेंडा बाय पीपल मूवमेंट रिमाइंडिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से ये संगठन विकास के नए सौपन और तरीकों की पहचान कर रहे हैं जैसे गिर है विस्थापन न्यूनतम मजदूरी जीविका सामाजिक सुरक्षा के मसले पर जन आंदोलनों के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं और ये आंदोलन राज्यों की उसको जिम्मेवारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं इस तरह लोग जाति लिंग वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं सो जो इश्यूज थे लाइक जस्टिस है डेमोक्रेसी आर द पीपल इन द टर्म ऑफ क्लास कास्ट जेंडर एंड रिलीजन वी कैन प्रडिक्ट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी हम जो लोकतंत्र उसके भविष्य की जो भविष्यवाणी नहीं कर सकते ऑल वी नो इज दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हेयर टू स्टे इन इंडिया कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक जो राजनीति वो जारी है एंड दैट इट विल अनफोल्ड थ्रू ए कंटिन्यूस चर्निंग ऑफ सम ऑफ़ द फैक्टर्स मैंशन इन द चैप्टर और ये जारी भी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच एक आकार भी ग्रहण करेगी सो डे स्टूडेंट्स टूडे वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक सो आई रिक्वेस्ट यून इट टू आइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस चैप्टर सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अस डे